गाइस आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आरएल क्राफ्ट इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन इस सीरीज। वर्ल्ड में स्पॉन हुआ तब मैंने देखा यहाँ पे एक घर था, तो फिर मैं इस घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, तो फिर मिला। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वापस बंद हो गया, फिर से खोला फिर से बंद हो गया। फिर मैंने डर तोड़ के देखी तो मुझे पता चला कि गेम फ्रीज हो गई। 10 घंटे बाद दरवाज़ा खुल गया। फिर मैंने चेस्ट खोलने की कोशिश की, ये भी नहीं खुल रही थी। आप सोच रहे होंगे मैं अभी इतना अच्छा शेडर लगा के आया था, शेडर कहाँ गया? तो फिर मैं बता दूँ, मैं 18 में खेल रहा था और उसमें आर्ट क्राफ्ट काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं 19 में आ गया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। फिर मुझे सामने एक झोपड़ी दिखी, तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं अभी इस झोपड़ी में जाता हूँ। फिर मैं बेरी में अटक गया। अरे बेरी से निकालो मुझे कोई। हाँ निकल गया निकल गया निकल गया। फिर मैं इस झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश की, खुल जा डोर। हाँ खुल गया। इसमें स्पॉनर लगा था और एक चेस्ट थी। जब मैंने चेस्ट को खोला तब मैं हैरान हो गया, इसमें बहुत सारे गोल्डन एप्पल्स थे। फिर मैंने सब ले लिया और मॉप टावर में चला गया। फिर मैंने मॉप टावर लूटना स्टार्ट किया और फिर मुझे इसमें आयरन थोड़ी चीज़ें मिली। मेरे सामान उठाने से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने चेस्ट ही तोड़ दी। फिर चेस्ट में से बहुत तगड़ा तगड़ा माल गिरता था और फिर मैं खुश होता जा रहा था। फिर मैं ऊपर के मैंने इन्वेंट्री खोल के थोड़ा सा आर्मर पहना और फिर एक गोल्ड की चड्डी भी पहन ली, क्योंकि चड्डी में हिम्मत होती है, चड्डी ना पहनो तो अपनी हिम्मत कहीं चली जाती है। मैंने देखा कि इस बर्फीले टावर में मैं टेम्परेचर ठंडा हो रहा था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी काम किया। मेरे सामने ज़ॉम्बी आया, मैंने उसे एक फटका मारा, फिर वो बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया क्योंकि स्नो की वजह से फिसल गया था लगता है। फिर वापस आया, लगता है मुझे चेस्ट के पीछे देख नहीं पा रहा, नहीं देख पाया। फिर मैंने इसे कट मार दिया। मैंने चेस्ट तोड़ के सारा माल ले लिया। फिर एक जलता हुआ जो मुझे परेशान कर रहा था तो मैंने उसे भी मार दिया। तो फिर मैं मॉप टावर में और ऊपर गया। फिर इसके बाद मुझे मॉप परेशान कर रहा था, फिर मैं जल्दी से भागा भागा गोल्डन एप्पल खा के। वो ये उड़ने वाला गुलाब जामुन मेरे पीछे ही पड़ी है, तो फिर मुझे यहाँ से बहुत दूर तक भागना पड़ा। फिर मैं भागते भागते एक विलेजर के घर के अंदर जाने की सोचा, तो फिर मुझे दिखा गुल्लू, मतलब आयरन गोलम। फिर मैंने इस हरे जानवर को थोड़ा सा फटकार मारी, उसके बाद मुझे पता चल गया मैं इससे नहीं लड़ सकता, तो फिर मैं आयरन गोलम के पीछे छुप गया। आयरन गोलम मुझे बचा लेना, तो फिर रुका। फिर मैं उस विलेज से बहुत दूर आ गया और फिर मुझे लगा कि मुझे पानी पीने की ज़रूरत होगी, तो फिर मैं पानी पीने की तैयारी में लग गया। पर गेम लोड खा रही थी, फिर उसे पानी पी लिया। फिर मुझे लग गया था थर्स्ट बार दारू पीने जैसा लग रहा था, ऐसा लगा कि मैंने दारू पी ली पर पानी था ये। फिर मैं यहाँ प्लेन्स पर मैं ऐसे घूम रहा था। मैं अच्छा सा पेड़ दिख ढूंढ रहा था जिसे मैं आराम से काट सकूं, जैसे कि कोई डायनेमिक ट्री। फिर मुझे एक पेड़ मिल गया, पर इसे खोदने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि इसकी जड़ बहुत नीचे थी। फिर मैंने एक ब्लॉक तोड़ा फिर दूसरा तोड़ा, पर ये पेड़ ने कुछ रिएक्शन दिया नहीं। फिर इसकी वुड वापस आ गई, फिर टूट गई। फिर मेरे हाथ में डर्ट लग गया, तो फिर मैं चला गया। फिर मैंने दूसरा पेड़ ढूंढा, तो फिर इसको मैंने काटा, इस पेड़ को। फिर पेड़ कटने के बाद थोड़ा सा लोड हुआ और फिर ये पेड़ गिर गया। फिर एक मॉब आया मेरे पास, मुझे इससे डर लगा थोड़ा सा। फिर मुझे पता चला कि मुझे मार नहीं रहा, तो फिर मैं चला गया। फिर मैंने देखा इस पेड़ से तो वुड नहीं मिली, वुड किधर गई मेरी? फिर मैंने देखा यूनिवर्सिटी में भी वुड नहीं थी, तो फिर मैंने दूसरा पेड़ काटा। फिर दूसरा पेड़ काटने के बाद मैं उसी के पास खड़ा रहा। फिर उसके बाद वो गिरा, फिर से खड़ा हुआ, फिर से गिरा और फिर गायब हो गया। तो फिर मैंने इन्वेंटरी खोली, इससे भी वुड नहीं गिरी। फिर मैं आगे थोड़ा सा दूर चला गया। फिर बाद में मैंने सोचा विलेज से वुड ले लेता तो क्या हो जाता,
फिर मुझे वो डिग गई इन्वेंट्री में अपने। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, वो मॉप टाउ की तब चल बना। सोचा मॉप टाउ में थोड़ी सी लूट मार कर लेते। फिर मैं लूट मार करना मैंने शुरू किया, चीज़ें बाहर निकाली, एक जूता निकाल के पहन लिया। फिर मेरे पास आर्मर तो पूरा हो गया था, पर मेरे पास पानी की कमी थी, तो भी मैं लूटने लगा। मुझे कुछ दवाई के बाटलियाँ मिले, फिर मैंने वो भी ले लिया, पर इसे लेना बहुत मुश्किल था, ये स्टैग नहीं होते थे। मैंने दो लिए और फिर मैं ऊपर चला गया। दूसरी चेस्ट पे देखा, फिर कुछ तो मिला नहीं। फिर मैंने एक बाटली पी और फिर मैंने ज़ॉम्बी मारा। फिर मैं आगे जा रहा था, वो मुझे एक ब्रोकन हार्ट मिला था, मैंने इसे यूज़ किया, तो फिर मुझे तो इतने सारे हार्ट मिल गए थे। पर हेल्पफुल कर लूँगा तो मुझे कोई मार ही नहीं पाएगा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. फिर उसके बाद मैं पानी से बाहर आया। पानी पीने के बाद मैंने चावल की थोड़ी सी टेस्टिंग की, अच्छा था चावल। फिर मैं इस पेड़ के पास आया, मैंने देखी एक मक्खी थी इधर। फिर मैंने सोचा थोड़े से टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। फिर मैंने एक्स को बाहर निकाला और फिर लकड़ी छीलने बैठ गया। लकड़ी छीलने के लिए आपको सिर्फ है ना ऐसे लकड़ी रखनी है और फिर इस पर एक्स मारनी है। इस पर काम क्यों नहीं कर रहा ये? वो गेम तो चल रही है। फिर मुझे मेरे प्रिय मित्र ने बताया कि इसके ये सीधी लकड़ी होती है, सिर्फ इसे ही छील सकते हैं, ये टेढ़ी लकड़ी को छील नहीं सकते। तो फिर मैं सीधी लकड़ियों को छीलने लगा। फिर मुझे लगा ये टेढ़ी लकड़ी, फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया और उससे थोड़े से एक शील्ड बनाई और बाकी कुछ टूल्स बना रहा था। एक डायमंड शॉर्ट बनाई थी, उसके बाद मुझे एक अजीब सी शॉर्ट दिखी। फिर मैं उस पर टच किया, फिर देखा इसका अटैक डैमेज तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने बना ली और फिर मैंने बाहर निकाला इसे, क्रॉस किया। फिर देखा कितनी बड़ी है ये शॉर्ट, ये तो बहुत मस्त शॉर्ट है। चलो फिर मैंने गलती से क्राफ्टिंग टेबल ओपन कर दिया, फिर मैंने इसे बंद किया, फिर से वो गलती से ओपन कर दिया, फिर उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल मैं निकल लिया। फिर मैंने पानी पिया क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग गई थी, मैं सिर्फ एक ही पानी का बूंद बाज की थी। फिर मैंने बकरी पे टेस्टिंग की, ये तो शॉट तो बहुत अच्छी है। तो फिर मैं आगे गया, फिर मैंने देखा थोड़े से ब्लड मून आ गया था। फिर मैंने जल्दी से रहने के लिए कोई जगह ढूंढी, फिर मैं ढूंढ रहा था, मुझे एक हॉटेयर बलून दिखा पर इसमें तो एयर ही नहीं है। फिर मैंने तोड़ा, फिर मैं अंदर गया। यहाँ पे थे दो स्पॉनर, कुछ जॉम्बी के स्पॉनर थे मतलब। तो फिर मैंने सोचा इस स्पॉनर का खात्मा कर दिया था, फिर मैंने स्पॉनर तोड़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि मैं ब्लड मून है, तो फिर मैं सो नहीं पा रहा, तो फिर मुझे ऐसे ही रात गुजारनी पड़ेगी। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी वीडियो कंटिन्यू बाद में करेंगे। तब के लिए बाय बाय।